वाह, तो ये थी पोरस की जाबाजी। अखंड भारत का मुहाफिज मैदाने जंग से भाग गया। अपने भाई को अकेला मरने के लिए छोड़ने को निराश किया पोरस ने। मुझे तो लगा था मुकाबला कड़ा होगा। किसने कहा पुरु चला गया? और से देख एलेक्जेंडर, पुरु तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हस्ती नहीं पुरु हूं, क्योंकि पुरु एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। और लक्ष्य सोच पूरा करती है, शरीर नहीं। और शरीर हस्ती का है, परंतु सोच पुरु की है। वो सोच जो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन या अन्य किसी भी संबंध से बढ़कर उसके लिए उसकी मातृभूमि होती है। बातें तो बिल्कुल पोरस की तरह करते हो हस्ती। प्रहार करो अलेक्जेंडर, जवाब भी पुरु की तरह ही मिलेगा। और अपने भाई को दिया वचन भी तो पूरा करना। तुम्हारे भाई का कॉल पूरा होना हो हस्ती, पर तुम्हारी सांसें आज ही पूरी होगी। Alexander! अपने सैनिक दलों को एकत्रित कराओ। हमें तुरंत पुरु के पास
उत्तर की दिशा में बढ़ना होगा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो फतेह की शुरुआत है शाह। धीरे धीरे मैसेडोनिया का यह परचम पूरे पौरव मुल्क पे ठहराएगा। आज जश्न मनेगा। नहीं सेलुकस, जो शिकार को जख्मी करके जश्न मनाते हैं, शिकार उनके हाथ से निकल जाया करते हैं। हम वक्त नहीं गवाएंगे। हमारी फतेह का सालन पौरव मुल्क की सुलगती आ और सिसकियों पर पकेगा, हजारों लाशों की मीनार पर लहराएगा हमारा परचम। और जितनी ऊंची ये मीनार होगी, फतेह का मजा भी उतना ही आएगा। और फौरन किसी के हाथों हेफेस्टियन को पैगाम भिजवा कि वो दक्षिणी सिरा छोड़कर हमारे साथ आकर मिले। इस वक्त हमारी तमाम फौज एक साथ एक जगह पर होना जरूरी है, ताकि हम एक साथ मिलकर उन पर हमला करें और एक ही बार में उन्हें खत्म कर दें। फतेह का परचम मतलब शाह मुझे अपने मोर्चे पर बुला रहे। सब सैनिक मेरे पीछे आओ। पौरव श्रेष्ठ, हमारे प्रयास और आपके नेतृत्व में यमन सेना को खदेड़ दिया है। वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने यहां आक्रमण किया ताकि स्वयं उत्तरी छोर से प्रवेश कर सके। वो अपनी शक्ति को भिन्न मोर्चों पर नहीं बांटना चाहते पिताश्री। वो सब एक साथ होना चाहते हैं और फिर पूरी शक्ति से हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। गुरु सही कह रहा है। यदि इस समय उसकी सेना पलायन कर रही है तो अवश्य ही ये उसकी युद्ध नीति। अलेक्जेंडर उत्तरी पश्चिमी छोर से आक्रमण करेगा। अस्थि कहाँ है गुरु? वो तो तुम्हारे साथ ही। कैसे? हस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें बाबा रिपुदमन के संस्कार हैं। किसने कहा पौरव वीर भागेंगे? एक वीर खड़ा रहेगा यहां इनका सामना करने के लिए। मैं आज तक तुम बाबा के अच्छे पुत्र बनकर है। एक अवसर मिला है मुझे यह सिद्ध करने का कि मेरी धमनियों में भी बाबा का लहू दौड़ रहा है। यदि तुम जीवित रहना पड़ो
तो भारत की लौ जलती रहेगी। भारत अखंड भी बनेगा और स्वतंत्र भी। अपने सेना से हमारी शेष बची सेनाओं में आत्मविश्वास का बल और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। हस्ती ने जो शौर्य अनुभव किया उसका अनुमान है हमें, और उस दुविधा और उस पीड़ा का भी आभास है जिससे तुम अभी व्यथित हो। हस्ती को छोड़कर आने का निश्चय करना संसार का सबसे बड़ा निर्णय रहा होगा तुम्हारा। किंतु स्वयं को दोषी मत समझना पुरु, कोई और विकल्प था ही नहीं तुम्हारे पास, देश के पास। हाँ पिताश्री, पर मेरे भाई के प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं चाहिए। उसका ऋण चुकाने का केवल एक माध्यम है। अलेक्जेंडर को मातृभूमि से खदेड़ कर जंग का पहला मोर्चा हमने फतह कर लिया। हम इस वक्त यहां हैं। हमारा अगला पड़ाव होगा यहां पोरस के महल और इस जगह के बीच। जहां हम अपनी पूरी ताकत और मजबूती से पोरस पर हमला करेंगे। अलेक्जेंडर अपना अगला आक्रमण यहां करेगा। वो राजमहल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और वो उसके लिए योजनाबद्ध रूप में आगे बढ़ रहा है। हम किसी भी मूल्य पर अलेक्जेंडर को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। यदि धनानंद हमसे अंतिम समय पर विश्वासघात न करता तो अब तक तो हम अलेक्जेंडर को कब कहां से निकाल पार कर देते। जो बीत गया उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए पिताश्री। इसी काफी ने मुझे दी है। मानता हूं कि सम्राट हमारे साथ नहीं, किंतु अब भी ऐसे कई राज्य हैं जो हमारा सहयोग दे रहे हैं और उन्हीं के सहयोग के कारण मैं अलेक्जेंडर को रोकने में सक्षम हुआ है। अब पोरस हमें रोक नहीं पाएगा। यहां मात दूंगा मैं उसे, इस जगह। और इस जगह लहराएगा मैसेडोनिया का परचम, जो इतना ऊंचा होगा कि पूरे भारत को अपनी परछाई में ले लेगा। हम अपने शत्रु का ऐसा हाल करेंगे कि उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ भागेगी। तेरी मां, मेरा भाई, दस्युराज, दस्युरानी, सबके बलिदानों का प्रतिकार लिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा। जानता था कि तुम मेरा सामना करने के लिए यहां खड़े होंगे पोरस, और शायद तुम नहीं जानते इस जंग से पहले जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके बाद तुम्हारी सारी पुश्ते अलेक्जेंडर से सामना करने का ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाई थी।
ये तोहफा तुम्हें पसंद आएगा पोरस। देखो, ये है तुम्हारा सेनापति पोरस का भाई हस्ती। देखो इसका हस्त और महसूस करो वो तकलीफ जो इसने सही है। और कमाल की बात तो ये है, किस बेवकूफ को यह गलतफहमी थी कि यह तुम्हें अलेक्जेंडर के कहर से बचाए, पर यह नहीं जानता कि अलेक्जेंडर वो शमशीर है जो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत ढाल को भी चीर सकता है। तो अगर है हिम्मत तो आओ और इसे ले जाओ। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें हस्ती जैसी मौत चाहिए या अलेक्जेंडर का करम। जो आंख मेरी तरफ उठेगी वो इसी तरह बंद कर दी जाएगी। जो सर मेरे खिलाफ उठा वो ऐसे ही लटकाया जाएगा। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो पोरस का साथ छोड़ो और इस ओर आ जाओ। अपने आप को मेरे हवाले करोगे तो मौत के हवाले होने से बच जाओगे। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए।